बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट काउंटडाउन क्लास 4, लेक्चर नंबर 17, पेज नंबर 18 पर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज हम करेंगे, जिसके टू टू पार्ट्स मैं आपको नोटबुक पर करवाऊँगी और आपने टू पार्ट्स होमवर्क पर के तौर पर अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डी मैथ रूल को रीड आउट किया था, उसके बारे में पढ़ा था और उसके रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 524 प्लस 48 माइनस 62। स्टूडेंट्स, हमने टू रूल्स रीड आउट किए थे, एक ये कि जिसमें एक प्लस और माइनस का साइन और एक डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करना है। और दूसरा रूल हमने पढ़ा था, अगर प्लस या माइनस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन आ जाता है तो हमने डी मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आप देखें कि ये जस्ट इधर लिखा है सॉल्व, लेकिन हमने क्वेश्चंस को खुद पहचानना है अकॉर्डिंग टू रूल। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में या तो प्लस माइनस हो या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड हो, तो हम किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके राइट करेंगे, देन माइनस 62 572 में से करके 510 आंसर। सेम एज इट इज़ बी पार्ट में भी आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही साइन है, कोई मतलब मल्टीप्लाई के साथ प्लस का या माइनस का साइन नहीं है या डिवाइड के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे अपना। सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया, देन हम इसको 100 पे डिवाइड करके हमारा फाइनली आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपने सी और डी पार्ट अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में उन्होंने कहा है 140 मल्टीप्लाई 65 प्लस 130। स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर हम रूल 2 यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने हमें कहा था रूल 2 क्या कहता है हमें, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन के साथ साथ प्लस या माइनस का साइन आता है तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने इन रूल्स को याद रखना है। तो हम स्टूडेंट्स पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई, एग्जैक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डी मैथ्स में पहले मल्टीप्लाई आता है और देन एडिशन आता है, फिर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया, फिर उसमें 130 ऐड कर दिए। अब डी पार्ट आप देखें, डी पार्ट में डिवाइड के साथ प्लस का साइन था, हम पहले डिवीजन करेंगे, ठीक है, डिवीजन के बाद आपने इसको प्लस करना है, 31 आंसर। इसका बी सी पार्ट आपने खुद से सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पे। स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर, आपने अच्छी तरह से इसको समझना है और अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है और होमवर्क को भी सॉल्व करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।